टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शील फाटा के अम्मार मेडियोस में ग्राउंड फ्लोर और पहले मंजिले पर क्वींस केयर क्लिनिक का उद्घाटन 15 अगस्त को किया जाएगा, मगर आज क्वींस केयर क्लिनिक के बारे में जानकारी देने के लिए शमीम खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वीन क्लिनिक के डॉक्टर आफरीन सौदागर, डॉक्टर सना खान, डॉक्टर रुचि, डॉक्टर कनक, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा, डॉक्टर नीलोफर मौजूद थे। क्वीन क्लिनिक के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि यहां पर महिलाओं और बच्चों के लिए ये अस्पताल खास तौर पर बनाया गया है। महिलाओं और बच्चों की हर बीमारियों का इलाज यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया कि इलाज में उपयोग में आने वाले कई तरह के मशीनरी भी यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके अलावा ओपीडी में सभी का इलाज किया जाएगा। शमीम खान ने बताया कि शीलफाटा जैसे एरिया में अस्पताल की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए एक अच्छा अस्पताल बनाया गया है ताकि लोगों को मुनासिब कीमत में बेहतर इलाज मिल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शमीम खान और डॉक्टरों ने क्या कुछ इस अस्पताल के बारे में जानकारी दी है, सुनिए। शमीम भाई, अभी तक आप राजनीति में थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जुड़े मामलों में आप दौड़ लगा दिए हैं, हॉस्पिटल भी आपने खोल दिए हैं, क्या है पूरी इसकी जानकारी? देखिए, जो ये कोरोना काल का वक्त बीच में हमारे बीच से गुजरा हुआ है, जिसमें मैं खुद, मेरी फैमिली, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब, पूरा परिवार, हम लोगों ने कोविड के अंदर जो सफ़र किए हैं उसमें हमने ये देखा कि जब हमें बेड भी की ज़रूरत रहती थी तो हमें कहीं बेड भी नहीं मिल पाता था वक्त से। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा था कि आने वाले वक्त में बच्चों का भी कोविड का मामला हो सकता है, फोर्थ वे, थर्ड वे, इन सब चीज़ों को देखते हुए और एक हमारे शहर में एक अच्छा हॉस्पिटल बने, ऐसा एक सपना था, एक सोच थी। इसको देखते हुए मैं मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर आफरीन सौदागर मैडम को कि उनकी मेहनत, और एक ये भी मेरा एक सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर सना, वो खुद भी एक डॉक्टर हो गई है, तो मेरा एक सपना था कि मेरी बच्ची के लिए कोई हमें अच्छा सा खोल करके हॉस्पिटल दूं। तो हमारे भाई शकील भाई जो हमारे पार्टनर हैं और डॉक्टर आफरीन सौदागर जी, हम लोगों ने मिल करके इसको एक अच्छा बनाने की कोशिश किया है, और हम इंशाल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि इसको लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, लोगों की अच्छी सहूलियात मिले। इन सब सोच के साथ, आपने कहा राजनीतिक, तो राजनीतिक जो है इस्लामुद्दीन साहब, वो भी कहीं ना कहीं एक सामाजिक है। हमारा राजनीतिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमें कोई नेता बनना है या हम कोई नेता हैं, हम अपने आप को एक सामाजिक समझते हुए, हम सामाजिक इंसान हैं, सामाजिक ये भी एक काम आता है हेल्थ का, इसके हिसाब से, एक ख्वातीन के हिसाब से, एक बच्चों के हिसाब से, कि एक पर्दा का भी मामला हो जिस तरीके से हमारा इस्लाम सिखाता है, उन सब चीज़ों को देखते हुए एक ये प्लान किया गया है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो हम लोगों के शकील भाई के, मेरी या डॉक्टर आफरीन के जो एक अच्छी सोच है, जो एक सपना है कि एक यहाँ से लोगों को मदद हो, लोगों की हेल्प हो सके, हम लोगों को अच्छी सर्विस दे सकें, अल्लाह ताला उसे पूरा करें, मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूँ। जिस तरह के हॉस्पिटल बना है, ऐसे चार्जेस को लेके कई बार जो है वाद विवाद भी हो जाता है, लेकिन आपका हॉस्पिटल अभी नया बना है तो इसमें क्या हिसाब से चार्जेस वगैरह है? ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे लिए, क्योंकि शमीम खान, कभी डॉक्टर आफरीन सौदागर, कोविड में बहुत मेहनत किया उन्होंने, मैडम को भी हम फ़ोन करके कि मैडम जरा फला पेशेंट है उसका कंसेशन कीजिए, हम बिलाल हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल उमरा में हैं, जुपिटर हॉस्पिटल तक हम फ़ोन करते हैं, तो 100% मुझे कॉल आने वाले हैं, और वो कॉल आने के पहले हम ये कोशिश करेंगे कि जो पेशेंट के जो चार्जेस हैं वो मिनिमम रहे, जिससे उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। हाईफाई ज़रूर बनाया है, लेकिन इसको उस चार्जेस के साथ में नहीं, रिजनेबल चार्जेस के साथ में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, और किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये पूरी कोशिश मेरी और हमारे भाई शकील भाई की और डॉक्टर आफरीन की होगी। क्वींस केयर क्लिनिक शील मुमरा में है। इसका मकसद ये है कि शमीम साहब की एक ऐसी सोच थी कि एक ऐसा हॉस्पिटल बने जो सिर्फ लेडीज़ चलाएं और लेडीज़ के लिए हो। तो शमीम साहब की बेटी डॉक्टर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके वो है, शकील भाई की वाइफ है शहनाज आपा, तो हम तीनों ने मिलकर इस हॉस्पिटल की शुरुआत की है।
और यहाँ पे जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारा स्टाफ मेरा लेडीज़ है, सिक्योरिटी से लेके नर्सिंग स्टाफ से लेके सब कुछ। NICU में पीडियाट्रिक वार्ड में जो डॉक्टर्स हैं वो मेल है, बट बाकी हमने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे फीमेल्स हों। फीमेल का हर तरीके का इलाज यहाँ पे होगा, बाईपास सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, कैंसर सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी, सीजर, हाई रिस्क सीजर, हम यहाँ पे हर किस्म का इलाज करेंगे फीमेल का और बच्चों के लिए खास तौर पे। मशीनरी के बारे में बताएंगे, क्या क्या मशीनरी यहाँ पर है खासतौर पे बच्चों के लिए? जी, क्वालिटी का स्टैंडर्ड रखते हुए हमने जो NICU बनाया हुआ है वहाँ पे डबल डोर एंट्री की हुई है, वहाँ पे लैमिनार फ्लो लगा हुआ है। जो पांडा वार्मर है, साउथ एशिया में क्वींस केयर क्लिनिक पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे पांडा वार्मर है, जिसमें हम 0.5 kg का बेबी भी ट्रीट कर सकते हैं। और OPD में क्या है? OPD सबके लिए है या सिर्फ OPD सबके लिए है? OPD में हर किस्म के डॉक्टर्स हमारे अवेलेबल रहेंगे, तो OPD सबके लिए खुली हुई है, इसलिए हमारा OPD और IPD सेक्शन दोनों अलग अलग किया हुआ है। फील्ड वर्क जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम है उसमें से कुछ नाम बताएंगे? फील्ड वर्क जो है डॉक्टर पंकज हैं, डॉक्टर अमोल हैं, डॉक्टर कनक मिश्रा हैं, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा हैं, रुचि मैडम हैं, डॉक्टर नीलोफर हैं। नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका और आपने डॉक्टर बना है तो कौन से कोर्स में आपने ये डिग्री? जी, माय सेल्फ डॉक्टर सना खान, मैंने BHMS कंप्लीट किया है। डैडी का सपना था, इसको चलाना है अच्छे से, बहुत स्ट्रगल हुआ है, मैम ने बहुत मेहनत की है इसके अंदर, मेरे डैडी ने बहुत मेहनत किया है इसके अंदर, इंशाल्लाह इसको आगे बहुत आगे तक लेके जाना है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर कनक हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल मैडम और सर के लिए कि उन्होंने ये ऐसा सोचा। दिस इज़ अ रियली अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट दिस वेंचर। और ये जो हॉस्पिटल है ये आपके लिए, हम ना केयर में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और ना आपको कोई सर्विस में कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा। आप आके इट्स लाइक मेरी तरफ से ये है कि आप आके प्लीज़ एक बार पेशेंट्स एंड द सर्विसेज आप देखिए, आपको पता चलेगा कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन मुंब्रा एज वेल एज थाने। मैडम आप भी थोड़ा बताएं कि हॉस्पिटल में क्या खास क्या है इसमें? इसमें खास ये है कि यहाँ पे लेडीज़ का ट्रीटमेंट, लेडीज़ विल बी वेरी कंफर्टेबल हेयर बिकॉज इट्स अ प्योर लेडीज़ हॉस्पिटल विद द एंटायर लेडीज़ स्टाफ। सो यहाँ पे क्वालिटी केयर भी मिलेगी और साथ साथ लेडीज़ को कंफर्ट भी मिलेगा। आपका नाम क्या है? डॉक्टर रुचि अग्रवाल। मैडम आप बोलिए। मेरा नाम शाइस्ता रावल है, आई एम द सेंटर हेड हेयर। सो आई एम ब्लेस्ड टू बी अटैच्ड विद दिस प्रोजेक्ट बिकॉज दिस हॉस्पिटल इटसेल्फ, बिकॉज इट इज़ प्रोमोटिंग एंड एनकरेज ऑल द फीमेल्स। We are giving services to all the females, but at the same time, it is encouraging the staff as well. So I am blessed to be with it. Thank you.